नहीं पहुंचे। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी, देख रहे हो लाला जी को हाथ में लो। ऐसी बोले हो तो बुद्धि खराब है नहीं क्या? देख रहे हो कैसी औलाद पैदा हुई है मेरी, इतनी बुरी कहो ना। बोलो तो सही, आप जो कहो हमें तो भाई अच्छा लगेगा। आप कहो कहो क्यों कहाँ है तुम्हारी बेटी? ले आओ जल्दी ले आओ, इतना समय नहीं है। नारायण नारायण लली, ये आपकी बेटी है, बहुत सुंदर है, साक्षात देवी है, भवानी है। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी, देख रहे हो नारायण जी को हाथ में लो। मैं देख रहा हूँ, कितनी छोटी ना, कितने छोटे बाल, कितने छोटे गोल, लाला बहुत अच्छी है बेटी। देखो ये कौन है बताओ, ये साक्षात देवी है, इसका नाम रुक्मणी रखा जाएगा। इसकी शादी तुम्हारे आंगन में तुम्हारे दामाद बन के आएंगे भगवान कन्हैया। हाँ बहुत अच्छी है, भाग्यशाली है, तुम्हारे तुम्हारे तमाते भी सितारा ही चमक गया। तुम्हारे आंगन में तुम्हारे दामाद बनेंगे भगवान कन्हैया। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे आंगन में रुक्मणी बड़ी होने लगी। ओ लली बड़ी है, लली शादी लायक है गई रुक्मणी। आंगन में जैसे ही बेटी बड़ी हुई, इधर एक दिन रुक्मणी दरवाजे पर बैठी थी, एक पंडित जी निकल गए, बोले ब्रज वाला भी लड़का बोलने लगा, रुकुम से बात है दोनों में बात है। तुझे तमीज नहीं, बिल्कुल पिताजी से बात करने का। तू ज्यादा इंसान है,
पिताजी तो चार पैरों बड़े बहने ऐसी बोले हो तो बुद्धि खराब है नहीं का देख रहे हो कैसी औलाद पैदा हुई है मेरी इतनी बुरी तरह लड़ रही है जब बाप के सामने बेटा बेटा लड़े हमारा तो मन ऐसे गत्तों के फांसी लगाने जब लग जा जो लग जा छोटा भैया का तो लग जा ना मत जा अरे भाई तेरे तो आप लोग लड़ते क्यों क्या हम आपके बहने की शादी करेंगे या मेरे चाऊ का मैं सारे कर लिया करेंगे कैसी हो अगर ऐसी मालूम होती कि तुम बड़े हैं कि लड़ोए तो मैं होते ही पटेटिया दबा देते आज करे ताई को तो प्रमाण में लाओ भगवान कैसी औलाद दी है गंगा की जाके मत जाओ जाके तुम हम जो करेंगे सो होगा हर किसी नहीं होगा 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 शादी होगी तो कर रही है के साथ में होगी वो माता कराने वाला गोपियां निकालने वाला उसके लिए मेरे भाई इतने बनाऊंगा हम तेरे साले के साथ शादी नहीं करेंगे साले के लिए तू अपने पिताजी से जवान चला तुम्हें शर्म नहीं अपने बेटे के चौके तेरी जवान निकाल के कुत्तों को खिला दूंगा और तुम्हारी मारियो लगा के तुम्हें पता है जवान का खामोश खबरदार हो नालायक मैं बता रहा हूँ तुझे तेरी आकर को बहन है वो तू शादी करेगा एक बात याद रखना मंडप के नीचे ब्राह्मण बाद में कन्यादान बाद में होगा हजारों लाशों का ढेर लग जाएगा तू मेरा बेटा न होता तुझे जिंदा जमीन में गड़बा देता मेरे बाप का हो ना हो मैं लेने ना हो ना कैसी औलाद है अपने बाप से जवान चला रही है अट्टा गट्टा हुआ तुझे ऐसे ऐसे शेरनी के दूध पिलाए तो जाय के लिए प्याय कहा लेकिन शादी नहीं होगी।